Good morning, everyone. Very good morning to all of you. Today we will discuss about the parts of speech. It is a very essential and very important thing which we are going to discuss in today's session. So let us start the parts of speech. First of all, when you heard that word parts of speech, what do you think about this? Just note it down in your copy. I will give you the 1 minute and afterwards we will discuss about it. What is parts of speech? Now note it down in your notepad, in your own words. आप अपने शब्दों में जब parts of speech आपके दिमाग में आता है ना, तो क्या होता है, क्या आपके माइंड में सेंटेंस चलते हैं, ये आप लोग जो है ना अपनी कॉपी में तुरंत लिखिए, ठीक है ना। मैं आपको इसका आंसर फिर जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो आपको और मजा आने वाला है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में और क्या क्या चीजें हैं जो अभी तक आप नहीं जानते थे और आज आप इस वीडियो के द्वारा जान जाएंगे। तो लिखना स्टार्ट करिए, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी दिमाग में आपके आता हो, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी भाषा में आपको आता है, लिख डालिए। हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। तो वेल डन, time starts now, note it down. The question is, what is parts of, this is today's topic, okay. So let us, I hope you have written something about this. Whatever your answer, just comment me. Yes, so should we start? Let us discuss. Before starting the parts of speech, just break it. इस parts of speech को जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, कहां से आया, सारी बातें हैं, ठीक है। तो parts of speech, part में आप जानते हो क्या होता है, हिस्सा, जब हम उसको तोड़ते हैं तो part होता है। बोलते हैं ना कि भाई इस कॉपी का ये part है, ये चेयर का ये part है, हम लोग बोलते हैं ये, तो ये part नहीं होता, हिस्सा, टुकड़ा, ठीक है। किसका, स्पीच। इस स्पीच का मतलब क्या होता है, तो स्पीच को हम लोग लिख सकते हैं सेंटेंस, यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, वो टुकड़ा होता है, हिस्सा होता है, किसका, सेंटेंस का, ठीक है। अब सेंटेंस हो गया, इसको हम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब ये पहले हमें जानना होता है कि यार ये सेंटेंस क्या है, ये नई बला कहां से आ गई। तब हम लोग जब सेंटेंस, देखो ये हर चीज ही आपका क्या ना, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब हम एक एज्यूम करते हैं कि सेंटेंस के बारे में एज्यूम करते हैं, जैसे मैंने लिखा आपको, राम इज गोइंग टू, ये मुझे लगता है कि सब लोग जानते होंगे कि ये एक सेंटेंस है, am I right? अगर मैं सही हूं तो ये सेंटेंस है। अब इसने क्या कहा, पार्ट, यानी कि हिस्सा करो, यानी कि टुकड़ा करो, लो भाई मैंने टुकड़े कर दिए इसके, ठीक है ना। तो अभी जो ये पूरा आपका ये एक लाइन था, ये क्या कहलाया था, ये सेंटेंस था, और हमने अब क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। तो ये जो ब्रेक पार्ट है ना, ये जो ब्रेक पार्ट है ना, ये किसमें टूट गए, वर्ड में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस सेंटेंस वो कैसे बना होगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन अरेंज्ड फॉर्म इज कॉल्ड सेंटेंस। ये हम जानते हैं कि शब्दों का एक सही क्रम जो एक अर्थ प्रकट करता है, सेंटेंस कहलाता है। तो आप देख सकते हो कि सेंटेंस, पहले ये सेंटेंस था, हमने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तो क्या बन गया, ये वर्ड बन गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, वो क्या होगा, वो सेंटेंस का ही एक टुकड़ा होगा, यानी कि शब्द होंगे, ठीक है ना। मजेदार बात अभी और बाकी है दोस्तों, ये वर्ड तो हो गया, यानी कि हम जानते हैं कि सेंटेंस टूटता है तो किसमें बनता है, वर्ड से। तो इसका हम लोग जस्ट हम लोग एक रिवर्स भी तो कह सकते हैं ना, कि जब वर्ड जुड़ते हैं तो सेंटेंस बनते हैं, कह सकते हैं कि नहीं, शब्दों का सही क्रम, यानी शब्दों के मेल से जो सही क्रम से बैठाते हैं उसको, एक जब अर्थ निकलता है तो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। तो शब्दों ने किसको बनाया, सेंटेंस को बनाया। अभी और मजेदार चीज देखो, हम इसमें और क्या तोड़ सकते हैं, हम इसको भी तोड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे तोड़ सकते हैं ना। देखो जब हमने तोड़ दिया, ये देखो एक एक को तोड़ा हमने, एक एक को तोड़ा, तो अब ये जो तोड़ दिया, तो ये जो निकला, ये क्या निकला, लेटर मिला। तो अब देखो मजेदार बात, शुरुआत कहां से हुआ था, अक्षरों से, यानी जब अक्षर को देखा हमने, अक्षरों को देखा, तो अक्षरों से किसको मिलाया, वर्ड, वर्ड्स किसको बनाया, सेंटेंस को। तो लग रहा है हमारा पूरा माला जो है ना, वो तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, कि सबसे स्टार्टिंग में लेटर्स हुए, लेटर्स ने, जब लेटर्स को मिलाया गया, जोड़ा गया, तो वो वर्ड बने, और जब हमने वर्ड्स को बनाया, वर्ड्स को मिलाया, तो क्या बनाया, ये सेंटेंस को बनाया, ठीक है ना। हमारा टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आएंगे,
शब्दों के बारे में ही, जो शब्दों का सही प्रयोग होते हैं, शब्दों का सही अरेंजमेंट है ना, कि कौन से शब्द किस का उनका भाग है, किस नाम से पुकारे जाएंगे अकॉर्डिंग टू उनके यूजेस, वो क्या कहलाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएंगे। ठीक है ना, मुझे लगता है दिमाग में आप ये आया होगा। ये तो बहुत आसान है, ये आप लोग क्या कर जानते होंगे, सब पढ़े होंगे, हम लोग तो बहुत बार पढ़े होते हैं ना किताबों में। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में लिख भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं। क्या कहा मैंने कि शब्दों का जो हम लोग ये भाग निकला है ना, ये सेंटेंस में से जो भाग निकला है। अच्छा सेंटेंस भाग, अब इसके बारे में आज पूरा डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस में भी और क्या क्या चीजें, कैसे सेंटेंस का निर्माण होता है, सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस नामों से जानते हैं, आज सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको। ठीक है, फिलहाल हम लोग का टॉपिक क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हमको स्पीच को डिस्कस करना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने क्या देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, क्या कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, द डिवीजन ऑफ वर्ड्स इनटू डिफरेंट काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंस में प्रयोग होने वाले सभी शब्द जो होते हैं, शब्द बाद में समझिएगा, शब्द वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही हिस्से होते हैं। ठीक है, हम और कह सकते हैं ऑल वर्ड्स आर कंसीडर्ड इन अ पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, एक और देख लेते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन अ सर्टेन वे। तो ये तो रहा आपका पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, जरूर होता क्या, जब भी आप पूछ रहे हैं व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच, तो सब क्या बोलते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ड और दीज आर द पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इज लाइक दैट। क्लियर हो गया, अब बात करेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। बात करें काइंड्स ऑफ, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो कह सकते हैं देयर आर नाइन, नोट करिएगा, नाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। आपको अगर सर मैंने तो आठ पढ़ा हुआ है, मैंने इंग्लिश ग्रामर में देखा हुआ है आठ। ठीक है, आठ था, आर्टिकल को अलग किया गया था, अब आर्टिकल भी इसी ग्रुप में शामिल हो गया डिटरमाइनर के रूप में। ठीक है, तो अब कितने हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितने हो गए, नाइन हो गए। ठीक है, कौन कौन से हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन और आर्टिकल, ये नाइन हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब मैंने जैसे कहा था, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गया। अब मैंने जैसा आपसे कहा था कि मैं आप डिस्कस करूंगा आज सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस सेंटेंस के बारे में, ये हो गया। देखिए सेंटेंस आप देखो, सेंटेंस को अगर कहा जाए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि सेंटेंस जो होता है ना, बेसिकली दो रूप में टूटता है, एक को बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरे को, अब देखिए सब प्रेडिकेट, सब्जेक्ट किसे कहेंगे, समझिएगा सब्जेक्ट किसे कहेंगे, तो सब्जेक्ट दैट वर्क्स, जो काम करता है सेंटेंस में, जो वर्ब में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जितनी भी रेस्ट ऑफ अदर चीजें हैं, वो सभी क्या होंगी, प्रेडिकेट। अब आप बोलोगे प्रेडिकेट में क्या क्या होती है, देखो प्रेडिकेट में क्या क्या आएंगी, एकदम ध्यान से देखना, प्रेडिकेट में आपका आएगा वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, वर्ब क्या होता है, जो जिसके जो काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, काम की करने होने को क्रिया हम लोग कहते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट काम करेगा वही हमारा क्या होता है, वर्ब, और इस वर्ब का असर जिस पे पड़ता है वो क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको भी तोड़ा जाए, आज हम इसको एकदम पूरा डिटेल पढ़ा जाएगा। वर्ब को अगर देखा जाए तो वर्ब में क्या क्या आएगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हम लोगों ने वर्ब के, देखिए वर्ब के बारे में जाने, जो काम होता है वो क्या होता है, क्रिया होती है, तो हेल्प मैंने क्या होता है, मदद करना, तो जो क्रिया इस मुख्य क्रिया की मदद करने के लिए आती है वो हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हो गया, अब देखो यहां पे एक चीज और हम लिख देते हैं, मॉडल वर्ब। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट में भी दो चीजें हमारी आती हैं, कंसीडर होती हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा
इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेंटेंस में। अब देखिए क्या है ना, बेसिकली कहा जाए अब सेंटेंस बनता कैसे है, तो सेंटेंस में ये रहा एस यहां उठा लिया, यहां से वी को उठा लिया और यहां से ओ को उठा लिया, ठीक है ना। तो पूरे इंग्लिश में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म इज कॉल्ड सेंटेंस। क्लियर, यानी कि सेंटेंस में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये मिलकर के बनते हैं सब्जेक्ट, ऐसे कंसीडर करिएगा। क्लियर हो गया ना। अब यहां पे मजेदार बात ये है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, यानी कि अगर सेंटेंस में सिर्फ एस और ओ है, वी है, ओ अगर नहीं है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट अगर नहीं है, तब भी दोनों सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है ना। ये भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ये भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब ऐसा मत कहिएगा कि यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट नहीं था तो सेंटेंस नहीं है, गलत हो जाएगा। अब कुछ मोटी बातें, किसी भी सेंटेंस के लिए वर्ब का होना बहुत जरूरी है, बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं हो सकता। क्लियर करिएगा, बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है ना। अब मजेदार बात देखिए, सब्जेक्ट आया, ये दोनों मिलकर के ही क्या करते हैं ना, ये दोनों, ये एस और वी यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर ही पूरा सेंटेंस बना देते हैं। और उसमें भी मजेदार बात, जो वर्ब है ना वो मीनिंग जो है ना, कॉन्सेप्ट जो है ना, अकेला कंप्लीट करता है सेंटेंस का, अकेला कंप्लीट करेगा सेंटेंस। सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगा, सेंटेंस में एस माने सब्जेक्ट जो है ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करता है, लेकिन वर्ब जो होता है ना सेंटेंस में, वर्ब जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण चाहिए, मैं जानता हूं, देखो मैंने कहा वो, सेंटेंस तो है नहीं, मैंने कहा वो मतलब आप समझ गए कि जाने को कहा जा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ भाई जाने के लिए बारे में सेंटेंस में कहा गया। अब मैंने कहा आई गो, ये तो हो गया पूरा सेंटेंस, आई गो पूरा सेंटेंस हो गया। तो अब मैं कहूँ आई बोलने से, केवल अगर मैं ऐसे करूँ केवल आई बोलने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आई नहीं क्लियर, वो क्या कहा जा रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने आई नहीं कहा, मैंने कहा गो, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जाने को ही कहा जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब, ये दोनों कॉम्बिनेशन ही क्या होता है, पूरा सेंटेंस होता है। तो उम्मीद है ये आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पांच तरह के सेंटेंस होते हैं, कौन कौन से, अफर्मेटिव नेगेटिव मिला करके एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग असर्टिव, ठीक है, असर्टिव हो गया फर्स्ट, इंट्रोगेटिव हो गया सेकेंड, ठीक है, इंपरेटिव हो गया थर्ड, ऑप्टेटिव हो गया फोर और एक्सक्लामेटरी हो गया फाइव। दीज आर द फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कौन कौन से, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी, ये पांच तरह के सेंटेंस हैं, ठीक है ना। ये जानना बहुत जरूरी है, जब आगे हम लोग और पढ़ेंगे ना तो ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज दो चीजें सीखने को मिला होगा, क्या क्या, पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, दूसरा सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं, और मजेदार बात सेंटेंस के प्रकार भी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों में जरूर बांटेंगे, ताकि ज्ञान जो है ना बांटने से बढ़ता है, विद्या ददाति विनयम, ठीक है ना। तो विद्या को और बनाइए, ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, ठीक है, टिल देन थैंक यू।